हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगी या फिर आज मैं आपको कुछ टॉपिक पर मैं डिस्कस नहीं करूंगी। आज मैं खुल के कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ना कुछ कमेंट्स को लेके मैं बहुत कुछ कमेंट्स नहीं कुछ कैटेगरी के कमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हाँ, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कहते हैं मैम यूट्यूब में ऐसे कमेंट्स तो आते रहते हैं, तो आप इतना परेशान मत हुआ करो। पर क्या है कि कुछ पर्सन ऐसे हैं ना जो मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ इसके बारे में डिटेल्स बात करें, क्योंकि वो जब कमेंट पास करते हैं ना तो डेफिनेटली अब मेरे पास डेली हज़ारों कमेंट आते हैं। हज़ारों कमेंट को मेरे लिए एक्सेस करना बहुत टफ हो जाता है। तो मैं कभी कुछ ऑटोमेटिकली यूट्यूब के थ्रू वो डिलीट हो जाता है, मेरे पास आती ही नहीं, मतलब कि वो पोस्ट ही नहीं होता। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वल्गर टाइप के होते हैं, तो उसको मैं ना चाहते हुए भी उसको रिमूव करती हूँ, क्योंकि इसका असर मेरे जो अच्छे व्यूअर है, अच्छे मतलब है कि जो पॉजिटिव मेंटालिटी रखते हैं ना, उनके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इसी वजह से मुझे डिलीट करनी पड़ती है। पर मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ ना कि मैं आपके सामने कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ, कुछ डिटेल्स में आपसे शेयर करना चाहती हूँ कुछ बातों को। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूअर हो तो। कुछ दिनों से ऐसे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप ऐसे टाइप के वीडियो क्यों बनाते हो, आप कुछ कोरोना पे वीडियो बनाओ, कोरोना अपडेट पे वीडियो बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। अब देखो, ये जो कोरोना है ना, ये जो वायरस है, इसकी जो सेंसिटिविटी है ना बहुत हाई लेवल पर है। अब मैं ऐसे कोई टॉपिक पर वीडियो बना ही नहीं सकती जिस पे मुझे जानकारी नहीं है। मुझे खुद उस बारे में जानकारी हासिल करनी होगी, मुझे खुद उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हाँ वो सही है कि गलत है, तभी ना मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ। और ये जो अभी अपडेट्स आ रहे हैं ना, तो रेगुलर चेंज होता रह रहा है। हम सब जानते हैं, इंडिया में जितने लोग हैं सब जानते हैं कि अभी कोरोना की वजह से हमारे देश का सिचुएशन कैसा है, हम जानते हैं। पर क्या इस वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस आया है? क्या कोरोना की वजह से आपने अपनी प्रोफेशन छोड़ दी है? क्या कोरोना की वजह से आपने अपना काम छोड़ दिया है, अपने घर बार छोड़ दिया है, अपने सब कुछ छोड़ दिया है? जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे चैनल का एक थीम है, एक मेरा एक प्रोस्पेक्टस है जिसको लेके मैं चलती हूँ, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते हैं कि स्टार्टिंग से अभी तक मेरे चैनल का थीम एक ही रहा है, और वो है कि मैं रियल लाइफ बेस्ड वीडियोज़ बनाती हूँ। चाहे कुछ भी हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर सेटलमेंट में हो, चाहे कुछ और फिज़िकल रिलेशन के बारे में हो, या फिर रिलेशनशिप के बारे में हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो हो गया, हेल्थ से रिलेटेड कोई वीडियो हो गया, फीमेल मेल सबके लिए वीडियो बनाती हूँ जो रियल लाइफ से जुड़ी होती है। अब कोरोना की वजह से क्या आपने पढ़ाना छोड़ दिया है? क्या कोरोना की वजह से आपने, अगर आप ब्यूटिशियन हो तो आपने वो छोड़ दिया है? क्या कोरोना की वजह से आपने, अगर आप कुछ और प्रोफेशन में हो जो इस एनवायरनमेंट से नहीं मैचअप करते, यानी कि इस अपडेट से नहीं मैचअप करते जो कोरोना का सिचुएशन हो रहा है, तो क्या आपने सब कुछ छोड़ दिया है? क्या आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बेचना छोड़ के आपने ग्रॉसरी शॉप खोल लिया है? नहीं ना। तो अगर आपने कोरोना की वजह से अपना जो थीम है, अपना जो आपका काम है, आपने नहीं छोड़ा, तो आप मुझे ऐसे कमेंट क्यों कर सकते हो या फिर कैसे कर सकते हो कि मैं इसे छोड़ दूँ? यूट्यूबर, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैंने स्टार्टिंग से एक थीम लिया है कि मुझे इस थीम पे वीडियो बनानी है, और ये ज़रूरी है क्योंकि मेरे चैनल से जो जुड़ते हैं वो मेरे साथ इसी कंटेंट की वजह से जुड़ते हैं। अगर मैं उनको वो कंटेंट नहीं देती हूँ तो वो मेरे साथ जुड़े नहीं रहेंगे। और YouTube मेरे लिए कहीं ना कहीं, मैं तो झूठी नहीं हूँ या फिर मैं कोई मतलब कि ऐसी भी नवात नहीं है कि मैं YouTube को शौक से कर रही हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं है। डेफिनेटली YouTube से मुझे प्रॉफिट है, मैं YouTube से अर्न करती हूँ, ये भी दिस इज़ वन टाइप ऑफ माई बिजनेस ऑल्सो, सो दैट कि अगर मैं इसके साथ खिलवाड़ करती हूँ तो इसका असर मेरे करियर पर पूरा का पूरा पड़ता है। अब YouTube में हज़ारों नहीं, सैकड़ों चैनल हैं, क्या वो सब के सब अपना चैनल का जो मेन थीम है छोड़ के कोरोना अपडेट पे लग जाएं? पॉसिबल नहीं।
पर मैंने फिर भी मैंने सोचा कि हाँ, अगर मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, 2 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है, 2 लाख 10 हज़ार करीबन सब्सक्राइबर है आज मेरे चैनल पे, तो मैंने सोचा कि हाँ, अगर मैं किसी के पास कुछ अपडेट पहुँचा सकूँ तो हो सकता है कि उनको हेल्प मिले। अब जाहिर सी बात है कि वो लोग मेरे लिए तो वेट नहीं कर रहे कि कब मैं अपडेट छोड़ूंगी और कब वो देखेंगे। फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने दो वीडियो कोरोना पे पब्लिश की। और क्या बताऊँ, जो मुझे ऐसे घटिया टाइप के कमेंट पास करते हैं ना, वो एक भी मुझे उस वीडियो पे नहीं दिखे, एक भी नहीं दिखे कि हाँ मैम आपने अच्छा वीडियो छोड़ा ये। बल्कि उस वीडियोस पे ऐसे कमेंट आए कि क्या मैम आप योगा स्पेशलिस्ट हो, क्या आप कोई डॉक्टर हो, क्या आप कोई मतलब इसमें स्पेशलिस्ट हो, तो आप कैसे तक वीडियो बना सकते हो, आपका तो काम ही है यूट्यूब पे अर्न करना, कुछ भी आप जो ट्रेंड होता है उसी पे चलने लगते हो, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं आपकी बात सुन लूँ, अगर मैं उस राह पे चलती हूँ कि हाँ कुछ दूसरे टाइप का वीडियो बनूँ, अपडेट करूँ, तो दूसरे टाइप के लोग मुझे आते हैं अपना कमेंट झाड़ने। तो अगर मैं अपने रास्ते पे चलती हूँ तो आप लोग आ जाते हो अपना कमेंट झाड़ने। अब आप बोल सकते हो, करी तो तुम्हें ऐसा क्यों फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ता है। अब मैं एक यूट्यूबर हूँ, आप एक, और ये एक बाउंडेशन है हमारे बीच में ना, ये एक सर्कल है। मैं वीडियो पब्लिश करती हूँ, आप लोग, आपको पसंद आता है तो आप देखते हो और उस पर अपना नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी कमेंट करते हो, मैं उसका अप्रिशिएट करती हूँ, एक्सेप्ट भी करती हूँ। पर मैं कहीं कुछ दिनों से ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। बहुत कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कुछ भी वीडियो डालती हूँ, तुम्हारी तो यही काम है, तुम्हारी तो यही है। एक मज़ेदार बात बताऊँ, ऐसे जो व्यूअर है ना, वो यूट्यूब पे आते ही है ऐसे टाइप के वीडियो देखने के लिए। वॉच टाइम में मुझे ऐसे टाइप के व्यूअर से ही मिलता है, फुल वॉच करते हैं वीडियो को, और उसके बाद ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं और कुछ दूसरे टाइप के कमेंट झाड़ के निकल जाते हैं। इनको कोई और काम नहीं है, बस यूट्यूब पे बैठे रहते हैं और कमेंट पास करते हैं। ये हो गया पहली बात। देखो, मेरा एक थीम है, मेरे चैनल का एक थीम है, और मुझे आज नहीं, जब तक मैं यूट्यूबर बन के रहूँगी, मुझे उसी थीम को लेके आगे चलना है। जैसे कि आप कोरोना की वजह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को छोड़ के आप ग्रोसरी आइटम या फिर कुछ और आइटम, जो भी हो, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, आप नहीं कर सकते, ठीक उसी वे पे मैं भी अचानक से एक थीम को छोड़ के दूसरे थीम पे नहीं जा सकती। तो इसका असर मेरे चैनल पे बहुत बुरा होगा, क्योंकि मेरे चैनल पे जितने जुड़े हैं ना, इस थीम की वजह से ही जुड़े हैं। और मैं ऐसा कोई पोस्ट नहीं करती जिससे किसी इंसान को मतलब कोई ख़राब हो जाए मेरे वीडियो को देख के। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं ऐसा कोई वीडियो अपने चैनल पे पब्लिश करती ही नहीं हूँ जिससे किसी का ब्रेन वॉश हो जाए। बल्कि चाहे फीमेल रिलेटेड वीडियो हो, चाहे मेल रिलेटेड वीडियो हो, मैं कभी ना कभी किसी ना किसी का प्रॉब्लम ही डिस्कस करती हूँ, ताकि उनको सुराह मिले, उनको हेल्प मिले। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें फेस की हैं, मैंने भी यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, मैंने उसको अप्लाई भी किया अपनी ज़िंदगी में, मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। तो यूट्यूब एक अच्छा ज़रिया है, किसी के पास कुछ भी नोटिफिकेशन हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी मैसेज हो पहुँचाने का, मैं वही काम करती हूँ। अगर इससे आपको कोई प्रॉब्लम है ना भाई साहब, या फिर जो भी हो, आप मेरे चैनल से दूर रहें। पर प्लीज़ अपने आप को ऐसे हाईलाइट मत करो जिससे दूसरे जो पॉजिटिव मेंटालिटी से बिलोंग करते हैं ना, वो भी कुछ गलत टाइप का इम्पैक्ट लेके यहाँ से चले जाए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको, अगर दूसरा कोई काम नहीं है तब दूसरा काम करो, पर ऐसे चैनल्स पे ना ऐसे कमेंट पास किया मत करो, क्योंकि वो टाइप करने में बहुत समय लगता है, वो समय आप किसी दूसरी जगह पे स्पेंड करो, यह आपके लिए अच्छा होगा। मुझे एक सेकेंड लगता है उस मैसेज को डिलीट करने में, पर आपको बहुत टाइम लग जाता है उसको टाइप करने में। तो इतना समझो कि अगर आप पॉजिटिव कुछ कमेंट पास नहीं कर सकते, तो ऐसे टाइप के कमेंट पास करने से आप कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहे हो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत, चाहे कुछ भी टॉपिक पे हो, उसको सर्च करनी पड़ती है,
उस पर कई बार स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, स्क्रिप्ट को पढ़ना होता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो आप कितनी बार उसको पढ़ते हो, हमें भी वैसा काम करना होता है। फिर इसको एडिट करनी पड़ती है, उसको पब्लिश करनी पड़ती है, थंबनेल, टाइटल, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके वीडियो पब्लिश होती है। तो बिहाइंड द स्कैन, एक वीडियो के पीछे जो सिचुएशन है, आप उसको समझो। और जब तक आप नहीं समझोगे ना, तब तक आप ऐसे कमेंट पास करते ही रहोगे, मुझे पता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप सुधर जाओ, पर इतना एक्सपेक्ट करती हूँ ना कि आप मेरे चैनल से हट जाओ, यानी कि मेरे चैनल को आप देखा ही मत करो ना, इतना रिक्वेस्ट करती हूँ। और एक दूसरे टाइप का है जो मेरे चैनल पे कमेंट आता है, वो है कि मैम आप ऐसे टाइप के ही वीडियो क्यों बनाते हो, आपके पास और कोई टॉपिक नहीं है या फिर और कोई आपको मतलब टॉपिक नहीं मिलता। मेरे चैनल पे मैंने 80 वीडियो डिलीट कर दी है अपने चैनल से, उसके बाद भी आज के डेट में मेरे चैनल पे 300 से ऊपर वीडियोज़ हैं। अगर मैं काउंट करने बैठूँ तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 30 या फिर मैं और ज़्यादा बता देती हूँ 50 वीडियोज़ ऐसे हैं जो ऐसे टाइप के, यानी कि सेक्सुअल कंटेंट हैं, कुछ फीमेल हेल्थ के साथ, कुछ मेल हेल्थ के साथ, कुछ रिलेशनशिप पे, कुछ ऐसे वैसे जो SES के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, आई एक्सेप्ट है, पर बाकी 250 वीडियो का क्या? SRF के वीडियो पे आप क्यों नहीं दिखते? SRF के वीडियो आपके पास क्यों नहीं पहुँचती? या फिर SRF के वीडियो आपको क्यों मोटिवेट नहीं करते? बाकी 250 वीडियो में मोटिवेशनल वीडियोस है, बच्चों से रिलेटेड वीडियोस है, प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स है, डिलीवरी टिप्स है, रिलेशनशिप टिप्स है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे टिप्स है, करियर सेटलमेंट पे टिप्स है, प्यार, लव, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, रियलिटी, सब कुछ पे मैंने वीडियो बना के रखी है अपने चैनल पर। छोटे छोटे बच्चों पर वीडियो है कि बच्चे को अब दूध कैसे पिला सकते हो, एक 6 महीने के बच्चे को आप सॉलिड कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इस पर भी वीडियो है। क्या आपने कभी ऐसे वीडियो को देखा है मेरे चैनल पे? आप यूट्यूब पे आते ही हो, गूगल करने आते ही हो, ऐसे टाइप को सर्च करके, ऐसे कंटेंट को सर्च करके जो मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ 10% है, सिर्फ और सिर्फ 10%, बाकी 90% दूसरे टाइप के हैं। पर आपको वो 10% ही क्यों आपके पास पहुंच रहा है? क्योंकि आप टाइप ही या फिर सर्च ही यूट्यूब पे, यूट्यूब एक सर्च इंजन है, गूगल का ही प्रोडक्ट है यूट्यूब। गूगल में भी अगर आप कुछ भी सर्च करते हो ना, वही आपको यूट्यूब में मिलता है। तो आपके पास मेरी वीडियोज़ वही जाती है जो आप सर्च करते हो, और आप भी वैसे टाइप के वीडियोज़ पे ही कमेंट करते हो जो वैसे टाइप के रिलेटेड वीडियो होते हैं। मैंने आपको कभी भी कोई मोटिवेशनल वीडियो पे कमेंट करते नहीं देखा कि हाँ मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया है, या फिर मैडम मैं आप कुछ इम्प्रूव करो। मैं हमेशा एक्सपेक्ट करती हूँ अपने व्यूअर से, मैं क्या हर एक यूट्यूबर एक्सपेक्ट करता है कि उनके साथ उनके व्यूअर का जो कनेक्शन हो ना, वो एक टीचर और एक स्टूडेंट का हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे जो जितने व्यूअर हैं वो मेरे टीचर है। यानी कि मैं कुछ भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो उस पर मुझे और क्या इम्प्रूव करनी चाहिए, उसमें और क्या पॉइंट्स होना सही था, या फिर कुछ ऐसे मुझे डिस्कस करनी चाहिए थी जो और ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल होता। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पर रहो ही मत, वीडियोज़ देखो ही मत। और अगर आप देखते हो, अगर आप क्लिक करते हो मेरे वीडियोज़ को, तो डेफिनेटली आप भी उसी टाइप के कंटेंट को पसंद करते हो जो मैं पोस्ट करती हूँ। तो फिर आपका वो कमेंट जस्टिफाइड होता है क्या? नहीं होता। मैं अपने व्यूअर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, स्पेशली उन व्यूअर्स की जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और इसी वजह से यूट्यूब में आज मेरा करीबन 1 साल हो चुका है, मैं 1 साल से यूट्यूब पर कंटिन्यूड वीडियोज़ बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं, तभी मैं उनके लिए वीडियोस बना पाती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ ना कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, सिर्फ एक के लिए अगर ये वीडियो काम का हो जाए ना, मैं सक्सेसफुल हूँ। तो भाई साहब, अगर आपको यूट्यूब पर टाइम स्पेंड करना है, अगर यूट्यूब पर आपको फोकस करनी है, तो आप
खुद ऐसी जगह पे फोकस करो जहाँ आप चाहते हो। अगर आपको कोरोना से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप सर्च बार में लिख दो, मेरे कंटेंट आपको कहीं दिखेंगे ही नहीं। अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए सर्च बार में सर्च कर लो, संदीप माहेश्वरी के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, या फिर सोनू शर्मा का, या फिर किसी और का जो बड़े बड़े मोटिवेटर हैं। मेरे वीडियोस कभी आपको दिखेंगे ही नहीं, और अगर आपको मेरी वीडियोस दिखते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हो। तो प्लीज़ इतना सा मुझ पर एहसान कर दो और अपना ये जो काम है ना उसको बंद कर दो। थैंक यू।